स्टूडेंट बीएससी सेकंड ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। माइसेल्फ ज्योति। हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा अकशेरुकियों की संरचना व कार्य की, या इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इस पेपर में हम जो पढ़ रहे हैं वो हम फर्स्ट टॉपिक लिया है हमने गमन या प्रजनन, या जिसका नाम है लोकोमोशन। और हम लोकोमोशन में किसके में पढ़ रहे हैं, हम ऊंटवादी गमन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ये कौन सी बुक है हमारी, इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड है, अकशेरुक जीवों के बारे में है। तो हम यहाँ जो भी चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो उनका श्वसन पढ़े, चाहे वो सर्जन पढ़े, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, एक्सपिरेटरी सिस्टम पढ़े, या उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को पढ़े, वो सब हम किन में पढ़ेंगे, हम इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है लोकोमोशन, जो हम किस में पढ़ रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल में, यानी कि अकशेरुक जीवों में। तो अकशेरुक जीवों का जो पहला संघ प्रारंभ होता है वो कौन सा होता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग गमन अंग पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उनमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे अमीबा, अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सूडोपोडिया। फिर अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, उसमें होते हैं सीलिया। और अगर हम बात करते हैं युग्मीना, तो युग्मीना में लोकोमोटरी जो ऑर्गन होता है वो होता है कशाविका या फ्लैजेला। तो ये तीन एनिमल ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे फर्स्ट था अमीबा में ऊंटवादीय गमन, या हम बात कर रहे हैं सूडोपोडिया लोकोमोशन इन अमीबा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, लोकोमोशन इन अमीबा या अमीबा में गमन। जैसे कि हमने हमारी लास्ट क्लास में बात करी थी, जो अमीबा है उसकी बॉडी की कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, जो अमीबा है उसकी बॉडी की ना तो कोई प्रॉपर शेप है ना कोई साइज है। और चूंकि अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्यूलर एनिमल है, कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि प्रोटोजोआ के मेंबर है, और प्रोटोजोआ के मेंबर कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो ये कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, शरीर का कोई प्रॉपर आकृति या आकार नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं मिलता है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती जो कि इसको प्रॉपर आकार दे। अदर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ एनिमल्स की, तो उन पर पेलिकल की लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है, पेलिकल की लेयर पाई जाती है, जो कि उनकी बॉडी को प्रॉपर शेप या साइज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ अमीबा में क्या होगी, एक कोशिका है, कोशिका में क्या मिलेगी, कोशिका पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो अमीबा की सेल के अंदर, क्योंकि अमीबा क्या हो गया, सेल हो गया, तो सेल के अंदर क्या मिलता है, प्रोटोप्लाज्म मिलता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। और उस जीव द्रव्य की वही वृद्धि, यानी कि जीव द्रव्य ही क्या होता है, शरीर से थोड़ा बाहर निकल के किसका निर्माण करता है, कूटपात का निर्माण करता है। देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल अगर हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बलून फुलाया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करें कि हमने बलून फुलाया, और बलून फुला के क्या करते हैं, उसको हमने एक साइड से दबाया, तो सेकंड साइड से क्या होता है, बलून का पोर्शन बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बलून वाला बहुत सारी शेप्स बनाता है, कोई मंकी बना देता है, कोई चिड़िया बना देता है। तो इसी तरीके का क्या है, जीव द्रव्य की अभिवृद्धियां हैं। जैसे कि शरीर का ही कोई भाग, जब हम बलून फुला रहे हैं, अगर उसको हम बीच में से रोल कर रहे हैं तो बलून दो पार्ट में बट गया, अदरवाइज वो पूरा एक बलून था, है तो वो एक ही बलून, चाहे हमने उसको दो पार्ट में ट्विस्ट कर दिया। इसी तरीके की संरचना क्या बनती है, ऊंटवादिया सूडोपोडिया बनती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, कुछ अलग अलग थ्योरीज है अमीबा में ऊंटवाद बनने के लिए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी है कि अमीबा में जो ऊंटवाद बनता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने क्या बात करी थी कि अमीबा की कोई बॉडी शेप नहीं है। ठीक है, अंदर क्या उपस्थित है, एक तरल भरा हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, या इसको हम क्या कहते हैं,
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है बाह्य द्रव और दूसरा होता है अंतः द्रव। बाह्य द्रव यानी कि एक्टोप्लाज्म और अंतः द्रव यानी एंडोप्लाज्म। तो इन दोनों की वजह से ये क्या बनते हैं? फूटपाथ बनते हैं। क्या होता है फूटपाथ बनते कैसे? सपोज करो यहां कोई फूड है, यहां कोई क्या है भोज्य पदार्थ है। अब अमीबा ने यह देखा कि इसका भोज्य पदार्थ क्या है, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है? अपने शरीर से एक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये शरीर का ही भाग है, यानी कि अपने शरीर से एक अभिवृत्ति निकालता है जिसको हम क्या कहते हैं, फूटपाथ कहते हैं। और ये शरीर का ही भाग है यानी यही से प्लाज्मा झिल्ली के साथ जीव द्रव्य बाहर क्या निकलकर एक संरचना बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फूटपाथ कहते हैं। धीरे धीरे ये फूटपाथ को क्या करेगा, इस फूटपाथ के सारे को घूमेगा और सिर्फ फूड को अपने अंदर ले लेता है। तो इसी तरीके से इनको यूज करता है अपने सूडोपोडिया या फूटपाथ को लोकोमोशन के लिए यूज करता है। तो ये क्या हो गया इसका सूडोपोडिया, क्या हो गया ये इसका सूडोपोडिया या फूटपाथ है। तो इसके निर्माण के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी, जैसे कि अपने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कौन सी पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्टाइल थ्योरी। प्रोसेस इसमें
फॉर्मेशन होता है, सूडोकोडिया का फॉर्मेशन होता है। यही इसकी जितनी भी थ्योरीज जो दी गई है उन थ्योरीज में यही बताया गया है कि जब अमीबा में लोकोमोशन होता है, अमीबा जब गमन करता है तो उसमें क्या होगा, जो एक्टोप्लाज्म है उस पर कॉन्ट्रेक्शन लगता है यानी प्रेशर लगता है, वो प्रेशर इस पे दिया ट्रांसफर होता है एंडोप्लाज्म में, वो एंडोप्लाज्म आगे की ओर एक्सटेंड होता है और क्या करता है, सूडोकोडिया का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से अमीबा में किसका निर्माण होता है, सूडोकोडिया का निर्माण होता है। इसी के रेफरेंस में और भी थ्योरीज दी गई है, जैसे अगर हम बात करते हैं चलन हम कहते हैं प्रश्न तनाव सिद्धांत, अभी हम और थ्योरीज की बात करेंगे, यानी कि सरफेस टेंशन थ्योरी हो गई हमारी। इसके अलावा अगर हम कहते हैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी, जो बेस्ट एग्जाम्पल या हम कहें बेस्ट एडवाइजेबल जो थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो आती है हमारी सोल जेल कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, तो अमीबा में सूडोकोडिया फॉर्मेशन की जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो है हेलमेट की सोल जेल थ्योरी। तो हम उस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग आगे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सूडोकोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट जो थ्योरी लिखी थी ये है हमारी कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। नेक्स्ट लिखी थी हमारी सरफेस टेंशन थ्योरी। थोड़ा सा मुझे डिवाइड नहीं है कि कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी इंग्लिश में किस फ्रेंड्स ने लिखी है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में किस फ्रेंड्स को नोट डाउन करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, कॉन्ट्रेक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी। आई थिंक मैंने ये नोट डाउन करवा दिया है, तो हम नेक्स्ट थ्योरी भी कर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी सरफेस टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट हमारी है सरफेस टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी जो दी है वो दी है बर्थोल्ड ने, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट तनाव सिद्धांत। सेकेंड थ्योरी क्या है, सरफेस टेंशन थ्योरी, ये जिसको हम कहते हैं प्रश्न तनाव सिद्धांत, जो किसने दिया है, बर्थोल्ड ने। लिखेंगे इसमें यह सिद्धांत 1886 में बर्थोल्ड के द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार जीव द्रव्य पर दबाव पड़ता है, तो उस स्थान पर
जीव द्रव्य पे दबाव पड़ता है जिसके कारण जीव द्रव्य उत्पाद के रूप में बाहर निकल आता है जिसके कारण जीव द्रव्य उत्पाद के रूप में बाहर निकल आता है उत्पाद के रूप में बाहर निकल आता है लाइन चेंज करके लिखेंगे इस सिद्धांत का समर्थन रमलर व बुशली ने भी किया लिखो दिस ट्रॉली सरफेस टेंशन थ्योरी लिखेंगे दिस थ्योरी इज गिवन बाय दिस थ्योरी इज गिवन बाय बर्थोल्ड इन 1886 थ्योरी इज गिवन बाय बर्थोल्ड इन 1886 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
नमला एंड खुशनी। नेक्स्ट देखेंगे लुढ़का मन, रोलिंग मोमेंट थ्योरी। नेक्स्ट कौन सी है, रोलिंग मोमेंट थ्योरी।
पर एक कार्बन कण रखा तो यह कण पृष्ठ तल पर एक कार्बन कण रखा तो यह कण उस प्रकार तो यह body surface, amoeboid movement take place due to rolling movement of body surface.
ठीक है, आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और थ्योरीज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन करें आप।